वेलकम बैक टू कटारियास इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बनाना चॉकलेट बाइट की रेसिपी। ये सिर्फ 3 चीजों से बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इसे क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के लिए स्पेशली बना सकते हैं, न्यू ईयर के लिए बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और सिर्फ 3 चीजों से बन जाती है और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो जरूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डाइजेस्टिव बिस्किट्स। आप यहाँ पर आपकी पसंद से कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आप चॉकलेट बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टोटल बिस्किट मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये 25 यानी कि 25 है। एक बड़ा वाला पैकेट मैंने लिया था तो उसमें से ये 25 बिस्किट्स निकले हैं। तो ये 25 बिस्किट हम ले लेंगे और इसे हम यहाँ पर डालेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। तो इस तरीके से हम बिस्किट्स को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि जो इसका पाउडर है वो बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर ये सारे बिस्किट्स को हम इस तरीके से मिक्सी के जार में तोड़ के डाल देंगे और इसे हमें यहाँ पर बिल्कुल पाउडर सा ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर इसका पाउडर मैंने अच्छे से बना लिया है। इसमें बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर ले लेंगे बनाना। तो यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के बनाना मैंने लिए हैं। तो बनाना का हम छिलका निकाल लेंगे और इसे एक बर्तन में रखेंगे। तो यहाँ पर ये छोटी साइज के अगर आप बनाना यूज कर रहे हैं तो आप 3 ले लें। तो यहाँ पर ये मीडियम साइज के बनाना थे इसलिए मैंने 2 यूज किए हैं। अच्छे से हम बनाना को यहाँ पर फोक की हेल्प से मैश कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल हम अच्छे से इसे मैश करेंगे ताकि इसका एकदम बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पे पाउडर बनाकर तैयार किया था बिस्किट का, तो इस पाउडर में हम ये जो बनाना का हमने पेस्ट तैयार किया है इसे हम डाल देंगे। बनाना का जो पेस्ट हमने तैयार किया है इसे आप बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे ही ना रखिए, वरना ये काला पड़ने लगेगा। तो जब भी आपको ये रेसिपी बनानी हो उसी टाइम पे आप बनाना लें और उसे मैश करके फिर आप उसे पाउडर में मिक्स कर लें। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आज जैसे बनाना यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इसे किसी और फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पर पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं बनाना की जगह पर, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इसे एक डो जैसा बना लेंगे ताकि इसमें से हम आसानी से बॉल्स बना सकें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने एक डो जैसा इसमें से तैयार कर लिया है। एकदम बढ़िया से ये मिक्स हो गया है और ये बढ़िया से हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और एकदम यहाँ पर अच्छे से इसमें से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मीडियम साइज के इसमें से बॉल्स बना रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल थोड़े से छोटी छोटी साइज के भी बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें से आप इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से बॉल शेप में बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं इस तरीके से ये दिखने में। तो यहाँ पर आप मीडियम या छोटी साइज के अपने पसंद से बना सकते हैं। तो सारे बॉल्स हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं मिक्सचर में से। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और बना लेते हैं चॉकलेट। यहाँ पर मैंने अब 150 ग्राम ले लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट की जगह पर मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा इस तरीके से चॉप कर लिया है ताकि जब हम इसे मेल्ट करें तो बिल्कुल आसानी से ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे ये होडे ब्रांड का डार्क चॉकलेट यूज किया है। यहाँ पर आप दोनों को मिल्क और डार्क को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के गैप पर आप इसे 2 से 3 बार आप करके मेल्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी को गर्म कर लिया है। पानी जैसे अच्छे से गर्म हो जाए तो आप गैस को कर लें यहाँ पर लो फ्लेम पर, और जिस बर्तन में हमने चॉकलेट डाला है उसे इसके ऊपर रख लें और बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहें और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपकी चॉकलेट इस तरीके से अच्छे से मेल्ट होने लगेगी। तो ये चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से हमारी यहाँ पर मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो गैस को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो बॉल्स तैयार किए थे उसे हम इस तरीके से मेल्ट की हुई चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमारे जो बॉल्स हैं उसे हम इस तरीके से चॉकलेट में कोट कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट हो उसे इस तरीके से आप निकाल लें। और इसे हम यहाँ पर एक बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। एक प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर को लगा लिया है और उसके ऊपर हम रखते जाएंगे
यहाँ पर। तो बस इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को बढ़िया से चॉकलेट में कोट कर लेंगे। बनाना चॉकलेट बाइट को अगर आप और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है उसमें आप रोस्टेड अलमंड्स या फिर रोस्टेड आप पीनट्स को क्रश करके मेल्ट की हुई चॉकलेट में आप मिक्स कर लें, और फिर जो हमने ये बॉल्स तैयार किए हैं उसे अगर आप कोट करते हैं तो जब आप ये खाएंगे तो उसमें एक आपको बढ़िया सा क्रंच मिलेगा, एक बढ़िया सा बाइट आएगा, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहें तो इसे वैसे भी रेडी कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स को मैंने बढ़िया से चॉकलेट में कोट कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो लगभग मैंने इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से नॉर्मल फ्रिज में सेट कर लिया है। फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं, फ्रिज में बढ़िया से ये सेट हो जाते हैं 15-20 मिनट में। अभी अच्छे से सेट हो गए हैं तो यहाँ पर जो हमारी बाकी की बची हुई चॉकलेट थी मेल्ट की हुई उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, और इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे तो ये दिखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। आप चाहें तो फिर इसके बाद आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट कर लें, या फिर आप बाहर भी रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे 5 से 10 मिनट में। बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। लीजिए, बिल्कुल तैयार है ये बहुत ही टेस्टी से बनाना चॉकलेट बाइट। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर से बनाइए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे 10 से 12 दिन के लिए फ्रिज में रखकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो क्रिसमस के लिए या फिर न्यू ईयर पार्टी के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।